यह देखिए जो वापरियो, देखिए कैसे रख दिए चलने लगा। यह कैसे बना हुआ है इसके बारे में हम आज डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह कॉपर क्वाइल लिए, कॉपर क्वाइल को हम लोग सर्कुलर बेलन पर इसको लपटेंगे। लपेटने के लिए एक रॉड लिए, रॉड पर एक हुक लगा हुआ है, हुक में छड़ को फंसा कर नट कस दिए। कसने के बाद देखिए अब मोटर चालू कर देंगे तो लपटा रहा है, इसको पकड़े हुए हैं हाथ से ताकि लपटा रहा है। लपटाने के बाद देख रहे हैं लपटा रहा है, लपटाते हुए जा रहा है, यह लपटा जाएगा। लपटाने के बाद इसको निकाल लेंगे रॉड पर से, सॉफ्टली इसको निकाल लेंगे। इसी प्रकार के बहुत सारे तार को लपेट कर निकालेंगे और रखेंगे, यह लड़छा बन जाएगा। उसको सीरियली सजा कर यहाँ पर देखिए दो कुचालक को बगल से रख देते हैं ताकि चिन्ह लगे। यह एक सीढ़ी बना हुआ है, यह भी कुचालक का ही बना हुआ है। देखिए इस पर ट्रेन चढ़ पाता कि नहीं, अर्थात बैटरी चढ़ पाता है कि नहीं। इस अरेंजमेंट को सही से दिखाने के लिए हम ऐसे कॉपर क्वाइल का जो सोलेनोइड बना हुआ है परिनाल का जो बहुत बड़ा हुआ उसको मोड़ मोड़ कर इस पर रखे हैं। देखिए इसको अरेंजमेंट कैसे किए हैं, सो यहाँ पर इसको इस फिर ये दो हुक सिलेंडर के द्वारा बंधा हुआ ताकि छिटके नहीं। और इसी प्रकार के बहुत सारे हम इसमें देखिए टर्न कर दिए हैं ताकि पता चले कि टर्न पर कोई दिक्कत होता है कि नहीं है, टर्न पर क्या स्पीड रहता है ये भी पता चल सके। उठाव चढ़ाव भी कर दिए हैं कि यह बैटरी जो चलता है वह वास्तव में चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है, इसके लिए हम लोग उतार चढ़ाव किए हैं। अब क्या करेंगे, इस पर बैटरी रखेंगे। रखने के बाद देख रहे हैं यह ऑटोमेटिक जा रहा है और पूरा पार कर रहा है, पूरा में एकदम चल रहा है, यानी कंप्लीट सर्किट कर लेगा। जहां से चला था वहां पर पहुंच जा रहा है, पहुंच गया फिर ऑटोमेटिक जाता हुआ जा रहा है, यानी ऐसे ही चलता रहेगा। इसके लिए हम तीन प्रकार का बैटरी लेते हैं, ड्यूरासेल लेते हैं एक, एक लेते हैं इंजरी जिंजर और इसके एक सेल लेते हैं वर्ता। तीन वो सेल हो गया, तीनों में ड्यूरासेल में देखिए सबसे पहले मैग्नेट रखे, इसको रख के यहाँ से इनिशिएट करते हैं। देखिए इसको अब टाइमिंग भी काउंट करेंगे, अब टाइमिंग चालू हो गया, यहाँ से चल रहा है। यह एक चक्कर लगाएगा तब तक कितना सेकंड लेता है, दो चक्कर लगाता है कितना सेकंड लेता है, तीन सेकंड कितना लेता है वह देखना। देखिए 11 सेकंड में लगभग एक चक्कर काटा है, दूसरा चक्कर चल रहा है अब इस सेल का बैटरी के सहारे यानी मोटर का। देखिए यह चलने के बाद यह पूरा हो जाएगा, अब दूसरा चक्कर पूरा हो गया, अब तीसरा चक्कर चलेगा। तीसरा चक्कर पूरा होने के बाद कितना टाइम लेता है हम लोग का कैलकुलेट हो जाएगा। उसी प्रकार के तीनों बैटरी का चेक करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट बैटरी का थर्ड जो कंप्लीट सर्किट हो गया पूरा, यहाँ पर रोक दिए, उसके बाद निकालते हैं तो देखिए 35 सेकंड लगा है। अब देते हैं इंजर्जिन सेल, इसका देखिए इस सेल को फिर वहीं से रख के इनिशिएट करेंगे, शुरू करेंगे, थोड़ा धक्का देंगे उसके बाद ये चलने लगेगा। चल रहा है देखिए, यह अब फर्स्ट राउंड चल रहा है, यह चल रहा है अभी तक तो हाफ सर्किट भी नहीं पूरा कर पाया, यानी हाफ कम चक्कर भी पूरा नहीं किया। अब देखिए इसको एक चक्कर काटा तो लगभग 30 सेकेंड लिया। अब दूसरा राउंड चल रहा है यानी दूसरा बार चल रहा है, इस चलते चलते देखिए दो राउंड चल जाएगा। इसका भी निकालेंगे तीन राउंड में कितना सेकेंड लेता है, उसके बाद एक और जो सेल था उसका भी निकालेंगे। तो अब तीसरा राउंड हो गया, तीसरा राउंड देखिए तीसरा राउंड चल रहा है, इसका स्पीड प्रीवियस जो सेल था उसके तुलना में कम है, देख सकते हैं आप ऐसे टाइम से ही पता चल रहा है। तो यहाँ पर कितना टोटल 40 सेकंड लगा, यानी तीन राउंड इसको कंप्लीट करने में कितना सेकंड 40। अब वर्टा जो सेल है उसको रखते हैं मैग्नेट को सटाकर और उसके बाद उसको चलाते हैं। तो देखिए यह अब चालू करेंगे थोड़ा धक्का देने के बाद तो फर्स्ट सर चल रहा है। यह देखिए कैसे उतार चढ़ाव पर चढ़ता है, उस समय उतारता उस समय क्या स्पीड है। तो यहाँ से देखने के बाद पता चला यह एक राउंड पूरा किया, दूसरे राउंड पर देखिए ऊपर चढ़ रहा है, चढ़ने के बाद फिर वहाँ से आ रहा है, यहाँ से फिर जा रहा है, यानी ऑटोमेटिक चला। इसको चलाने के लिए कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। तो यह दो राउंड पूरा हुआ, तीसरा राउंड अब चल रहा है, तीसरा राउंड में देखेंगे तो यह फिर से तीसरा राउंड अब कंप्लीट करने वाला ही है जो कि अब कंप्लीट कर लेगा। चलिए तीन राउंड में 33 सेकंड लिया, यानी तीनों का टाइमिंग अलग अलग रहा, जैसे वार्ता का 30 सेकंड, ड्यूरासेल का 35 सेकंड और इंजर का 40 सेकंड। इस प्रकार से कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा किसका रहा मैनेजमेंट, तो ड्यूरासेल का। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।